वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने आपसे पहले बताया कि हम एजुकेशन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने लास्ट सेगमेंट में, लेकिन एक मुख्तलिफ तरीके से। आपने बारहा देखा हमारे शोज में, हम प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत तवज्जो देते हैं, स्कूल एजुकेशन पे, फिर बोर्ड सिस्टम पे, ओवरऑल जो हमारा निज़ाम है या सिलेबस है उस पर हम बात करते रहते हैं। लेकिन आज हमारी ख्वाहिश थी कि हम बात करें, जब हम अपने नौजवानों को देखते हैं, कभी हमारे शो में आते हैं या वैसे उनसे मुलाकात होती है, बड़ा अच्छा भी लगता है। यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ग्रूम करके स्टूडेंट्स को निकाल रही हैं। कहीं कहीं आपको लगता है कि अभी गुंजाइश है बेहतरी की। आज जिस पॉइंट को हम फोकस करना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि अगर आप सवाल करें तो बिल्कुल सोच के और इसी हवाले से सवाल करें जिसका ताल्लुक यूनिवर्सिटी एजुकेशन से हो। आया हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी एजुकेशन हमारे प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है? जब हम जिद्दत की बात करते हैं तो जिद्दत सिर्फ उस लेवल पर नहीं जिसको हम प्राइमरी कहते हैं, जिद्दत हर लेवल पर ज़रूरत है। पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, पाकिस्तान में कितना हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ उस पर क्या तवज्जो दे रही हैं, किस जानिब हमारे तालिब इल्म को लेकर जा रही हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहली शख्सियत जिनसे मैं आपका तारुफ करवाऊँगी, और अभी मैं इनसे बल्कि कह भी रही थी कि जो लोग नौनिहाल पढ़ते रहे बचपन में, बड़े होते होते तक तो बहुत से जरीदे, बहुत से मैगजीन्स या अखबार जो आपकी आंख से गुजरे होते हैं, लेकिन बचपन की मोहब्बत नौनिहाल से थी या है, बहुत लोगों की होती है। अब और भी मैगजीन्स आ गए, मगर मैं उस दौर की ही हूँ जब नौनिहाल हम ज़्यादा पढ़ा करते थे, और उससे मोहब्बत, और फिर हकीम मोहम्मद सईद का नाम, और फिर जब आपको ये पता चले कि हमदर्द यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद हैं, चांसलर हमारे साथ मौजूद हैं, आई एम सो सॉरी, सादिया राशिद साहिबा, जो कि हकीम मोहम्मद सईद साहब की साहबजादी हैं, तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका मदद करने का। मैं तो मीडिया शायद हूँ, मगर फिर भी नहीं, बहुत ज़रूरी है। आपकी बात अगर हम सुनेंगे नहीं और हम सबको सुनाएंगे नहीं, तो फिर पूरा कैसे होगा हमारा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमारे साथ मौजूद है वाइस चांसलर ऑफ हमदर्द यूनिवर्सिटी डॉक्टर शबीबुल हसन साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे जर्नलिस्ट जो इस स्पेसिफिक जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, इस हवाले से हमसे बात करेंगे, हमें आगाही फराम करेंगे। हसन दाऊद पोता साहब को हम खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? प्लीज़ तशरीफ रखिए। अच्छा, बात तो हमने एजुकेशन के सिस्टम पर करनी है, लेकिन शुरुआत में हकीम मोहम्मद सईद साहब से करना चाहती हूँ। साहबजादी उनकी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत खदमात हैं उनकी। वैसे तो हम सेहत के मामला में भी कहें तो बहुत खदमात है, लेकिन एजुकेशन को क्योंकि आज हम फोकस कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी मैं चाहती हूं कि कुछ रिमार्क्स आपकी तरफ से। मैं चाहूंगी हम गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक सहने के मुतालिक बात कर लें जो कल रात को पेश आया। तालीम की दुनिया में एक बहुत बड़ा सहना है, वो हसन डॉक्टर हसन सोहेब मुराद जी की वफात है, जो कल एक हादसे में हुई, और उनका ताल्लुक हमदर्द से बहुत रहा है, क्योंकि अवैल दिनों में उन्होंने ILM के नाम से जो इंस्टीट्यूट कायम किया था, उसका इलाक हमदर्द यूनिवर्सिटी से था। उसके बाद फिर वो तरक्की करते गए, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई, मगर हकीम साहब के साथ उनका बहुत साथ रहा, और हकीम साहब क्योंकि नौजवान थे और काबिल बहुत थे, तो बहुत खुश होते थे ऐसे नौजवानों से। हकीम साहब बहुत खुश होते थे जो काबिल हों और जिनमें वो जज्बा हो आगे बढ़ने का और कुछ तालीम के मैदान में कुछ करने का, और माशाल्लाह हसन सोहेब आगे बहुत बढ़े, तो हम उनका अफसोस कर लें कि उनका एक अल्लाह ताला उनके घर शहादत, मतलब उनके जो सानिया हुआ है, सब्र दे उनके घर वालों को भी। अब हकीम साहब के सिलसिले में आप पूछना चाह रही थी, तो हकीम साहब का तो ख्याल ये था कि तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़्यादा जिस पर वो जोर देते थे, वो तालीम के साथ तरबियत पर थी। और आपको सुन के खुशी होगी कि हमदर्द यूनिवर्सिटी जहाँ बनी है, जिसका नाम मदीनतुल हिकमत है, वहाँ उनका विजन ये था कि स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक तालीम एक ही जगह पे हो। तो स्कूल भी है वहाँ और यूनिवर्सिटी भी है, और स्कूल से ही शुरू होती है तरबियत जो आगे तक जाती है। तरबियत तो कभी ख़त्म नहीं होती मेरा ख्याल है, जिंदगी में लर्निंग प्रोसेस जारी रहता है। कहिए तो घर से शुरू होनी चाहिए। जी जी, इंसान का पहले वो तो घर होता है तालीम का। लेकिन आजकल जिस तरह से स्कूल में टाइम गुजरता है या यूनिवर्सिटी लेवल तक टाइम गुजरता है, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर भी तरबियत हो तो एक एडेड बेनिफिट हो जाएगा। हकीम साहब का तो बहुत ज्यादा जोर था तरबियत पे,
हमेशा। अच्छा, इस चीज को ही आगे बढ़ाते हैं और सिर्फ ऑब्वियसली एक यूनिवर्सिटी नहीं, ओवरऑल सिस्टम के बारे में, क्योंकि आपका ताल्लुक एजुकेशन के फील्ड से है, क्या हमारे यहाँ तालीम, कोर्स, सिलेबस, जो भी आप उसके प्रीरिक्विजिट समझते हैं, वो इस हिसाब से है कि पाकिस्तान के प्रोफेशनल फील्ड में या दुनिया भर में अगर किसी प्रोफेशनल फील्ड में पास आउट होने के बाद स्टूडेंट जाते हैं तो वो इंसाफ कर पाते हैं अपनी उस पोजीशन के साथ? आपके सवाल को मैं इसी में रिलेट करूँगी, तालीम और तरबियत के हवाले से बात होती है। तरबियत हम कहते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, क्योंकि आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसी ट्रेडिशनल मैथ को फॉलो करें जहाँ क्लास रूम के अंदर उसको जो है वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस जबानी बता रहे होते हैं, उसको वो याद करके वो रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जब तक वो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं करेगा तब तक जो है वो बात बनती नहीं है। और ये चीज़ हमें यूनिवर्सिटी में देनी चाहिए ताकि अगर वो गलती करे तो उसकी इस्लाह वहीं पे हो सके। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ को इनकलकेट करने की ज़रूरत है कि न सिर्फ थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकल भी वो वहीं पे करके सीखे। गलती करेगा सीखेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा तो उसको वो एग्जैक्टली नहीं होगी जो उसको अदरवाइज होती है। और ये यूनिवर्सिटीज़ में अब हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी पर बहुत फोकस किया जा रहा है। जी, आपसे मैं ओवरऑल सिनेरियो जानना चाहती हूँ को हमने दूसरी तरफ डाइवर्ट करना। अच्छा, इसका जवाब मेरे ख्याल में शबीब साहब देंगे कि हमें ये अंदाजा लगाने की जरूरत है कि जरूरत किस कितनी लोगों की किधर है, किधर है और कहाँ खपत हो सकती है स्टूडेंट्स की। ये करती है यूनिवर्सिटीज ये काम, क्योंकि जिस हिसाब से कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, मैं जनरली बात कर रही हूँ, जैसे इन्होंने मीडिया साइंसेस का बिलखसूस जिक्र किया, वो सही है, इतने स्टूडेंट अब हमें मीडिया साइंसेस के मिल रहे हैं कि अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो शायद उतने लोग आई डोंट नो कैसे वो अपने आप को प्लेस करेंगे। तो इसके हवाले से अगर यूनिवर्सिटीज को इंडिविजुअल देखें तो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी शायद ये ना कर सके, इसलिए मार्केट में कितनी खपत है वो एक यूनिवर्सिटी पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, ये इसके हवाले से नेशनल प्लान कोई हो तो उस पर बात हो सकती है कि हमें इस जगह पे इतनी रिक्वायरमेंट है या इतनी रिक्वायरमेंट है। अनफॉर्चुनेटली इस तरह कोई प्लान हमारे पास नहीं है, ना इस पर सोचा गया है। जो बात की थी कि लोग एकदम से चले जाते हैं, किसी ने एक तरह का पूरी लॉट उस चलेगी, वो रीज़न ये है कि हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे नहीं जाते। एजुकेशन में मतलब अगेन वही बात की डिग्री नहीं है, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को बताना है कि मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ। अच्छा, जब वो चीज़ रियलाइज होने की बात होगी तब जो है वो आपको सही जगह पे सही लोग पहुँच सकेंगे, वरना वही होगा कि भेड़ चाल होगी, कभी IT हो गया, कभी मीडिया हो गया, कभी BBA हो गया, डॉक्टर इंजीनियर हो गया, वो लिमिटेड फील्ड में रहेंगे। आज भी क्या लोग इंजीनियर्स अभी तक हैं? अच्छा, वो भी है। और क्या अभी भी लोग डिग्री इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पास आउट होने के बाद 25,000 से या 50,000 से नौकरी शुरू होगी? ये भी है, बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए कि हमने जो है वो बचपन से जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाली जो है जी, या घर से भी हम इतना सप्रेसिव इन्वायरमेंट देते बच्चे को, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना है। वो बच्चा बहुत अच्छा है जो सारी बातें सुन लेता है, वो बच्चा अच्छा नहीं है जो सवाल पूछते हैं। हम उस बच्चे को जो है अप्रिशिएट करते हैं, कितना फरमाबरदार है कि जो कोई सवाल नहीं पूछता, जो बोलो कर लेते हैं घर पे भी। ये बच्चों के मामले में, खवातीन के भी मामले में, स्कूल में भी असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चों के सवाल को मतलब अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें उनको कि भैया आप सवाल करें। अच्छा सादिया साहब, एक और चीज़ बताइए, कभी मैं लोगों से मिलती हूँ या उनकी कहानी सुनती हूँ तो मुझे ये लगता है कि स्कूल और कॉलेज में वो इतने सीरियस नहीं थे अपनी पढ़ाई को लेकर, जब तक प्रोफेशनल लेवल पे पहुँचे उनको समझ भी आ गया मुझे क्या करना है और वो सीरियस भी हो गए और उनके मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज का क्योंकि वो मार्क्स का लगा हुआ है उनके साथ, तो कोई अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी उनके मार्क्स देख के पहले जो क्राइटेरिया होता है उसमें वो आते नहीं है तो उनको एडमिशन नहीं देती। जबकि फिर अगर मुल्क से बाहर चले जाएँ जिनकी इस्तेदात हो वो फिर कुछ करके दिखा देते हैं, जिनकी ना हो वो वैसे ही अपना अमली तौर पे जितना कुछ कर सकें। तो क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ वैसे स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड नहीं देखती? क्योंकि लड़कों के मामले में भी आपने देखा है कि बच्चे लड़के जो हैं, अगर स्टूडेंट्स की मेल स्टूडेंट्स की बात करें, थोड़ा देर में मैच्योर होते हैं, थोड़ा देर में रियलाइज़ करते हैं बहुत सी चीज़ें, तो स्कूल कॉलेज में कभी कभी ग्रेड्स या मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते, तो क्या उनके लिए कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि एप्टीट्यूड देख के, अकल समझ देख के या उसका इंटरेस्ट देख के एडमिशन हो? मेरे ख्याल से उनके लिए ऐसे कोर्सेज होते हैं, शबीब साहब बताएंगे, जो उनको ग्रूमिंग कोर्सेज जो होते हैं वो किए जाते हैं ताकि शबीब साहब जैसे कोई फॉर इंस्टेंस मैं ऐसे ले लेती हूँ कि आपने किसी कोर्स में, कोई भी कोर्स है उसमें आपको जहाँ आप एडमिशन क्लोज कर रहे हैं वो 70% है कि 70% मार्क्स आए होने चाहिए, कोई बच्चा है उसके आए 65 है, वो बहुत इंटेलिजेंट लेकिन पेपर्स में बीमार हो गया या कोई और वजह हो गई, तो क्या इन बच्चों का सारा दारोमदार उस मार्क पर है जो उसको मिला है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि हमने जो है वो जो अब तक एजुकेशन सिस्टम में देखा है वो हम एक ही अंदाज सारे स्टूडेंट्स को जज कर रहे थे क्लास में, एवरी वन इज
आइडेंटिटी की तुम्हारी नज़र में अगर टीचर हैं तो सब बराबर है। हाँ जी, कुछ बच्चे में कुछ चीज़ अच्छी होगी, कुछ बच्चे में कुछ चीज़ अच्छी होगी। मैं इसी साल हमारी यूनिवर्सिटी में ही वो हैं, बस फर्स्ट ही आए जब उसका एडमिशन हुआ, उसमें जाकर जो है वो बहुत शाय हो गया है कि सर मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं, मैं क्रिकेट बॉल से खेलता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई में बिल्कुल समझ में नहीं आता, सारी चीज़ें ऊपर से जा रही होती है। बारे में ना कोर्स था ऐसे कि इसमें कौन सी मसला, तुम क्रिकेट टीम कैप्टन कहना, हाँ मैं कैप्टन, जो चीज़ें वहाँ अप्लाई करते हो वही एग्जाम कॉपी लिखना, तुम कुछ और नहीं करना। लीडरशिप तुम्हारे पास है, मोटिवेशन तुम्हारे पास है, टीम बिल्डिंग तुम्हारे पास है, करियर गोल्स तुम्हारे पास है, टारगेट सेटिंग तुम्हारे पास है, तुम्हें काम करना उसी 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 को मिसाल बना के तुम नहीं आई पढ़ना उसको। और उसने वाकई उस चीज़ को अप्लाई किया, उसके मुझे उसके बाद दोबारा वो नहीं आया, और उसके बाद पास आउट होने के बाद उसने बैंक बहुत जॉब्स मिली एंड हैज सक्सेसफुल करियर। देन तो सिर्फ ये होता है कि एक्सप्लोरेशन, मेरे हिसाब से मैं अभी पहले बात हूँ कि हमने एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ लेके आनी कि हर बच्चे को इंडिविजुअली ट्रीट करना है। टीचर ने बता दिया ऐसे करना, सबने वही दिख रहे हैं, फिर अपॉर्चुनिटी का प्रोविजन भी तो जरूरी है ना। आपने खुद कहा, देखिए वो आपके पास आया, उसे अपॉर्चुनिटी मिली तो उसने किया। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अगर एक्सेस ही नहीं मिलेगा क्योंकि मार्क्स पहले ही कम आए हैं, तो फिर कैसे अपने आप को ग्रूम करेंगे? ये चीज़ मैंने यूनिवर्सिटी बात नहीं की जी, आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन ओवरऑल, कि वो कॉलेज साइड पर होना चाहिए और स्कूल साइड। टीचर्स को इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि हर बच्चे को वो अटेंशन देगा, बच्चा फील करेगा कि मेरे साथ है ये, और अगर वो अपनी बात कह सकेगा तो आप बहुत बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है वो इन्होंने पढ़ाई कुछ और की, करियर सी और चीज़ बना रहे, तो रीज़न बीइंग कि उनको इंटरेस्ट वहाँ पे था। अच्छा हसन, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन कमीशन भी होनी चाहिए, जैसे हाई एजुकेशन है ना, प्राइमरी एजुकेशन कमीशन भी होनी चाहिए, जिसपे प्राइमरी पे हम लोग देखें, बुनियाद तो वहीं रखी जाती है कि मसल में बुनियाद तो वहीं रखी जाती है। और मेरा ख्याल है हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा बर्डन कर देते हैं, ओवर बर्डन है बच्चे हमारे। अब है वक्त के साथ साथ हो गए हैं, पहले तीन साढ़े तीन साल में चार साल में आराम से एडमिशन होता था, अब दो साल में, बल्कि कई तो पैदाइश से पहले पता नहीं नाम लिखवाना पड़ता है, कौन सा मसला मुझे समझ में नहीं आता। 16 महीने में स्कूल क्या जरूरत है, उनका बचपना तो खत्म ही हो जाता है, और स्कूल जाके भी वैसे को कोई खास काम नहीं कर रहे होते, खेल के ही आ रहे होते हैं। अच्छा हसन, आप ये बताइए कि आप जो हमारे पास मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपको एक स्टाइल स्टूडियो की जैसे आपके लिए लगती है कि आप वहाँ जाएँ तो आप बहुत कुछ आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज हो जाता है, माहौल भी आपको ऐसा ग्रूम्ड लगता है, बट फिर भी कोई ना कोई वहाँ कमी बेशी ज़रूर रहती है, या आपको बीइंग स्टूडेंट लगी होगी, वो क्या है? हाँ बेसिकली मैं जो हमारे एक डॉलर थे उनके क्वेश्चन का भी तौर से जवाब देना चाहूँगा। ही सेड के एक लॉट आती है और वो फिर उसको फॉलो करने लग जाती है, वो इसलिए है कि बिकॉज उसके तीन चार रीजंस हैं। एक तो ये कि वी लुक फॉर शॉर्टकट्स, के यार लेट्स डू दिस डिग्री, लाइफ विल बी सक्सेसफुल, कोई उसके अंदर हम एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे थे। दूसरी जो एक इट्स अ पॉजिटिव थिंग इन पाकिस्तान एज वेल कि स्टार्टअप कल्चर आ रहा है, ठीक है, लोग अपने स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं, आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर पॉजिटिविटी आई है। वी हैव अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान जो इंक्यूबेशंस देते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर सेंटर्स हैं और शहरों के अंदर भी हैं कि इफ़ यू हैव एन आइडिया गो टू देम, आपको इंक्यूबेशन मिल जाएगी, आपको सीट फंडिंग मिल जाएगी। अब ये और तरीकों पर भी जा रहा है, मीडिया साइंसेज की बात हुई, सो मीडिया साइंसेज के अंदर वी सी अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कॉन्सेप्ट राइटर्स हैं, कॉपी राइटर्स हैं, आर्ट डायरेक्टर्स हैं, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। तो फील्ड आपको थोड़ी थोड़ी खुद भी बनानी पड़ेगी, खुद से भी आगे बढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू क्रिएट थिंग्स। सो रादर देन जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि यार जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिलेगी, सो दे नीड टू थिंक बिग, गो फ्यू स्टेप्स अहेड, व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ बिजनेस एंड गिव जॉब्स टू 20 अदर पीपल, इतना बड़ा भी सोचें, चीज़ें हो भी रही हैं इस तरीके से, एंड इस तरीके से और भी बढ़नी चाहिए। एज़ फार एज हमारा जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम है, अभी भी मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारी फील्ड्स की ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहे हैं अभी भी, वी आर फोकसिंग ऑन वेरी बेस, बहुत एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने रिसेंटली लिबरल आर्ट्स स्टार्ट किया है, आई थिंक विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन पाकिस्तान नाउ। दूसरी चीज़, आर्ट्स की बहुत ज़्यादा कमी है पाकिस्तान के अंदर, हम दुनिया भर के अंदर देखते हैं, इफ़ यू गो टू यूरोप और एनी अदर कंट्री, जितने भी सक्सेसफुल प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो रहा है, तो टुवर्ड्स द एंड आप एजुकेशन के हवाले से कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपके दिल में हो, जो आप चाहती हो कि ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं?
حکیم صاحب بہت زیادہ اپنے خیالات میں تخلیق کی بات کرتے تھے, تو جو ہمیں ایڈوکیشن میں ریسرچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور آج کل تو بہت زیادہ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے. حکیم صاحب کو شاید 25 سال پہلے یہ بات کہی ہوگی کہ تخلیق, تعلیم میں تخلیق کا بہت زیادہ ضرورت ہے, تو اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی اس میں آگے بڑھیں, ریسرچ میں ریسرچ کریں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ کے وقت کا, آپ کی ان تمام اچھی باتوں کا جو آپ نے ہم تک ہمارے ناظرین تک پہنچائی, بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ, آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں, اپنی اپنے سوالات سے, اپنی سوچ سے ہمیں آگاہ رکھتے ہیں. اس کنیکٹیوٹی کو اسی طرح جاری رکھیے, آپ سے پھر ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.